चीजों को राज रखना बहुत ही मुश्किल है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे हैवीली गार्डेड सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आज तक कोई एक्सपोज नहीं कर सका तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नंबर सेवन डब्ल्यू डी फोर्टी दोस्तों आप सब ने किसी मेटल से जंग उतारने या फिर मशीन पार्ट्स की सफाई के लिए डब्ल्यू डी फोर्टी का इस्तेमाल तो किया होगा यह स्प्रे इतना फेमस है कि दुनिया के तकरीबन हर घर तकर में आपको ये मिल जाएगा इस स्प्रे को 1953 में नॉर्मन लर्सन नामी इन्वेंटर ने सैन डियागो कैलिफोर्निया में बनाया था यह स्प्रे इतना इफेक्टिव है कि इसे यूज करने के चंद सेकेंड में ही रिजल्ट नजर आ जाता है डब्ल्यू डी फोर्टी को क्लीनिंग ग्रीसिंग और इवन पॉलिशिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मन ने इस फार्मूला को बनाने के लिए चालीस दफा डिफरेंट केमिकल्स मिक्स किए थे तब जाकर यह फार्मूला कामयाब हुआ था इसलिए इन्होंने इसका नाम डब्ल्यू रखा था डब्ल्यू डी फोर्टी का फार्मूला पिछले पचास सालों से एक बैंक वॉल्ट में रखा गया है और सिर्फ दो दफा इसे बैंक से बाहर निकाला गया डब्ल्यू डी फोर्टी के स्प्रे और एक सौ छिहत्तर सेल किए जाते हैं इस फार्मूला को बनाने के लिए मुल्क में तीन डिफरेंट लोकेशन पर इसका एक एक हिस्सा तैयार किया जाता है और फिर इन तीनों को एक जगह मिक्स करके डब्ल्यू डी फोर्टी स्प्रे तैयार हो जाता है इस स्प्रे का फार्मूला इतना सीक्रेट है कि इसे बनाने का किसी को आइडिया तक नहीं है इवन डब्ल्यू डी फोर्टी के सीनियर एम्प्लॉय भी इसके मुतालिक कुछ नहीं जानते इस स्प्रे का फार्मूला दुनिया के सबसे हैवीली गार्डेड सीक्रेट्स में से एक है और इस फार्मूला की वजह से ये कंपनी हर साल तीन सौ इक्यासी मिलियन डॉलर का बिजनेस करती है नंबर सिक्स रेसिपी ऑफ के एफ सी दोस्तों एफ सी दुनिया के सबसे फेमस फास्ट फूड ब्रांड में से एक है आप सब ने एटलीस्ट एक दफा तो के एफ सी का बर्गर या फिर ब्रोस्ट वगैरह खाया होगा इसका टेस्ट दुनिया में सबसे यूनिक है इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट की एक स्पेशल रेसिपी है जिस से ये दुनिया के तमाम के एफ सी आउटलेट आरोप चिकन फ्राई करते हैं के एफ सी की ये सीक्रेट रेसिपी पिछले नवे सालों से सिक्योर रखी गई है इस वक्त दुनिया में सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जो कि इसकी रेसिपी जानते हैं और इस रेसिपी को डॉक्यूमेंट्स की सूरत में एक वॉल्ट के अंदर सेव किया गया है ये वॉल्ट दो फुट थिक दीवारों के पीछे मौजूद है और चौबीस घंटे गार्ड्स इसकी रखवाली करते हैं और इस वॉल्ट को सिर्फ वही दो लोग खोल सकते हैं जो की के एफ सी के सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव है ये वॉल्ट सिर्फ तभी ओपन की जाती है जब जब वो दोनों लोग मौजूद हों। इस रेसिपी को तैयार किया जाता है, तो उस वक्त इसके आधे इंग्रेडिएंट्स एक लोकेशन पर तैयार किए जाते हैं और दूसरे इंग्रेडिएंट्स दूसरी लोकेशन पर तैयार होते हैं फिर इन्हें तीसरी जगह पर ले जाकर मिक्स किया जाता है ताकि किसी को भी इसकी फुल रेसिपी पता ना चल सके अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये सिर्फ एक रेसिपी ही है लेकिन इस सीक्रेट रेसिपी की वजह से वाले तो दुनिया का सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है इस ड्रिंक को दुनिया के तकरीबन हर शख्स ने पिया है और अब तो ये डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है कोका कोला को सबसे पहले सन अठारह में जॉन स्टिथ नामी बायोलॉजी जिसने इन्वेंट किया था रिसर्चर्स के मुताबिक इस ड्रिंक का नाम इसीलिए कोका कोला रखा गया क्योंकि इसके ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स कोका लीव और कोला नट्स होते हैं हैं लेकिन इस ब्रांड की सीक्रेट रेसिपी दुनिया में सिर्फ दो लोग जानते पिछले तीस सालों से इसे एक राज रखा गया है सन सत्तर में जब कोका कोला को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ के मुताबिक कोका को कोला कंपनी को इस ड्रिंक के तमाम इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट सबमिट करने का ऑर्डर दिया था लेकिन कोका कोला ने इसे देने से इनकार कर दिया था लेकिन इस सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना लॉ चेंज करके इसे है, इस है। आपको जानकर हैरानगी होगी की जिन दो लोगों को कोका कोला का सीक्रेट पता है वो लोग एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकते क्यूँकी अगर ये दोनों किसी सूरत भी एक साथ मर जाए तो ये सीक्रेट इन्हीं के साथ दफन हो जाएगा ये रियली really अनबिलीवेबल है नंबर फोर एच आई एड्स दोस्तों आप सबने एटलीस्ट एक दफा तो एड्स का नाम सुना होगा ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हैरानगी है. है होगी की ये बात सच नहीं है एड्स को साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने लैब में मैनुफेक्चर किया था ये बीमारी साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ बैक्टीरिया को मिलाकर खुद तैयार की थी लेकिन ये ऑपरेशन इतना क्लासीफाइड था की आज तक इसकी हकी कत और इसे बनाने का रास नहीं हो सका कंस्पिरसी थोरिस्ट का मानना है कि एड्स का इलाज भी इन्हीं साइंटिस्ट ने ईजाद किया था और वो आज भी दुनिया में सिक्योर लोकेशन पर मौजूद है और इनके मुताबिक इस इलाज को पब्लिकली इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इन साइंटिस्ट और इस ऑपरेशन का राज दुनिया के सामने आ सकता है इसलिए एड्स की असल हकीकत कोई एक्सपोज नहीं कर सका नंबर थ्री हर चीज बार दोस्तों हर चीज दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट मैनुफेक्चरिंग कंपनीज में से एक है इसके अलावा ये बहुत सी और भी स्वीट प्रोडक्ट मैनुफेक्चर करते हैं आपको जानकर

से एक सिगरेट है दुनिया की कई कंपनीज अब मुख्तलिफ टेस्ट की चॉकलेट्स बनाती हैं, लेकिन हर्षी बार का टेस्ट बहुत ही यूनिक है और कोई भी कंपनी इनको कंपिटीट नहीं कर सकती इवन इस चॉकलेट को द ग्रेट अमेरिकन चॉकलेट बार का टाइटल भी मिला है नंबर टू हैसबर्ग नैपकिन दोस्तों असल में डिनर के वकत टेबल आरोप कपड़ा फोल्ड करने का एक तरीका है ऑस्ट्रिया में जब भी कोई नेशनल इवेंट होता है तो गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसल्स को स्टेट डिनर के वकत टेबल आरोप ये नेपकिन फोल्ड

किसी को पता नहीं है इन दो लोगों को ये तरीका किसी को बताने की इजाज़त नहीं है और ऑस्ट्रिया में नैपकिन को नेशनल मेंसवर किया जाता है हजारों लोगों ने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने की कोशिश की लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका नंबर वन न्यूक्लियर सीक्रेट दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है की मुल्की आर्मी के पास जो न्यूक्लियर वेपन इंफॉर्मेशन होती है वो दुनिया की सबसे हाईली प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है इवन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में जिन वर्कर्स को लेकर जाया जाता है वो भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते होते सिर्फ हाई रैंक आर्मी ऑफिशियल्स को इन लोकेशंस का पता होता है जहां वो इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर लॉन्च कोर्ट होते हैं जिनको एंटर किए बगैर कोई भी न्यूक्लियर हमला नहीं किया जा सकता ये लॉन्च कोर्स इतने सिक्योर होते हैं की इन्हें मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेजिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और हाई रैंक ऑफिशल्स में तकसीम किया जाता है हर शख्स अपना स्पेशल कोड जानता है और इसे किसी को बताने की इजाजत नहीं होती क्योंकि लॉन्च कोर्स की मदद से दुनिया में वर्ल्ड वॉर थ्री स्टार्ट हो सकती है इसीलिए दुनिया की सबसे सीक्रेट चीजों में से एक है दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाँ।